नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त किया है। दरअसल मुंब्रा पुलिस को जानकारी मिली थी कि दीवा परिसर आगासन रेलवे फाटक के पास कोई विस्फोटक सामग्री बेचने के लिए आ रहा है, जिसके बाद डॉक्टर स्वामी और ACP रमेश धुमाल के मार्गदर्शन में मुंब्रा पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर किशोर पासलकर, पुलिस निरीक्षक क्षीर सागर और उनकी टीम स्थान पर पहुंच गई। सूचना के आधार पर जब पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा को रोका, इस ऑटो रिक्शा की जब तलाशी ली गई तो इसमें भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। इस तलाशी के दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश भी की मगर नाकाम रहा। आरोपी का नाम गणपत सिंह रावत सिंह सोलांकी, 42 वर्षीय है। दुआ में जो आगरासन रोड है वहाँ पे कुछ लोग ऐसे आने वाले थे, इसके बारे में जब हमको पता चला तो ऐसे चार टीम हमने बनाई थी और बनाने के बाद इसमें जो है इसको वहीं पे कैच किया है दीवा में। ये आगासन रोड पे गणपत सिंह सोलंकी नाम का ये आरोपी है और ये राजस्थान भिलवरा का रहने वाला है। ये 5-6-7-8 महीने पहले ये दीवा में रहने आए के लिए आया था। पहले उसने ज्वेलर शॉप एक खुली थी, वो बंद हो गई और उसके बाद जो है उसने ओला चलाने का वो अभी काम करता है। और इसमें जो है एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत हमारे यहाँ मुंब्रा में इसका ऑफेंस रजिस्टर्ड है। और ये जो एक्यूज है, ये एक्यूज भिलवाड़ा से है, उधर से उसने ये सब जो एक्सप्लोजिव लाया था उधर से ही लाया था उसने। और एग्जैक्टली उसका मेन पर्पस जो है, वो पर्पस का इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है, बट वो प्राइमा फेसी पहले ऐसा लग रहा है कि ये जो है ये कहीं क्वारीज में वगैरह जो ब्लास्ट के लिए कुछ मटेरियल यूज करते हैं उसमें एक्सप्लोजिव जो यूज करते हैं उसके लिए उसने लाया था। और बाकी बट एग्जैक्टली उसके ऊपर कोई उधर यहाँ तो कोई ऑफेंस नहीं है, बट राजस्थान में कोई ऑफेंस है, उसको देने वाला कौन है, उसके कोई ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है और वो किस पर्पज के लाया था उसका इन्वेस्टिगेशन और चल रहा है। जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है मगर दीवा में रहता था, फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने इसके पास से 250 डेटोनेटर, 250 जिलेटिन बरामद की है, जिसकी कीमत 12,250 रुपए बताई जा रही है। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। आखिर इतनी बड़ी विस्फोटक सामग्री किस मकसद से लाया था, साथ ही इसकी भी जांच की जा रही है और भी लोग इसमें शामिल हैं या नहीं है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ भारतीय विस्फोटक अधिनियम के तहत गुनाह दाखिल कर लिया गया है। इस मामले की जांच मुंब्रा पुलिस सहायक निरीक्षक HS क्षीर सागर कर रहे हैं। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।